नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टफ्ड खट्टा आम का अचार बनाना सीखेंगे। ये गुजरात में बहुत ही फेमस है। आज हम अचार बनाने की सभी टिप्स देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब भी आपको स्टफ्ड आम का अचार बनाना हो, तब मार्केट से इस प्रकार के गुठली वाले छोटे आम लें। गर्मी के मौसम शुरू होते जो मार्केट में आम मिलते हैं, उसी आम में से आप ये अचार बना सकते हो। आम को मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अभी हमने 500 ग्राम छोटी साइज के आम लिए हैं। उसके ऊपर जो काला डंखल होता है, उसे चाकू की मदद से काट ले और आम के ऊपर इस तरह से दो छेद करें। जैसे हम कोई भरवा बैंगन या आलू की सब्जी बनाते हैं, तब जैसे उस पर छेद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें आम को काटना है। आम में स्टफ करने के लिए मैंने 500 ग्राम अचार मसाला लिया है। ये अचार मसाला आप घर पर कैसे बना सकते हो, उसकी रेसिपी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। का एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले और उसमें 100 ग्राम अचार मसाला डाले। अचार मसाला अगर आप घर पर बनाना नहीं चाहते हो तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट्स में जो मसाला मिलता है उसमें नमक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया होता है, इसलिए अगर आप घर पर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब बाकी का जो मसाला है उसे हम आम में स्टफ करेंगे। अभी हमने जो साइज़ के आम लिए हैं उसमें करीबन 2 से 3 चम्मच जितना मसाला स्टफ हो पाएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा मसाला स्टफ करें। जब भी आप मार्केट से आम लाओ, तब उसके ऊपर अगर कोई काले दाग हो तो उसे एक चाकू की मदद से निकाल ले। इस तरह से हमने एक आम को भरकर तैयार किया है। जितनी क्वांटिटी में आप आम लो, उतनी ही क्वांटिटी में आपको अचार मसाला लेना है। ये अचार मसाला आप एक बार बनाकर उसे 12 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको आम का मीठा और खट्टा अचार बनाना सीखना है तो उसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर पोस्ट की है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हम बारी बारी सभी आम में मसाला स्टफ करके तैयार करेंगे। यह अचार बनाते वक्त आप मसाला या तेल ऐड करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि तेल अगर आप कम डालोगे तो अचार में थोड़े दिन के बाद फंगस हो जाएगी और आपका अचार बिगड़ जाएगा। अब जो मसाला बचा है उसे हम आम के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अचार मसाला घर पर बनाते वक्त जो मेथी का उपयोग करें वो नई हो वैसी ही ले, और रेशम पट्टी और कश्मीरी दोनों मिक्स मिर्च का उपयोग करें, जिससे अचार तीखा भी बनेगा और उसका कलर भी अच्छा आएगा। अब हम ढक्कन लगाकर अचार को 10 से 12 घंटे तक इस तरह से रहने देंगे। अचार में ऐड करने के लिए एक बर्तन में 1 लीटर जितना मूंगफली का तेल गर्म करने के लिए रखा है। जितनी आवश्यकता होगी उतना तेल हम ऐड करेंगे। मूंगफली के तेल की जगह आप सरसों का तेल भी उपयोग में ले सकते हो। तेल जब तक अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है, और कोई भी अचार अगर आप बनाओ उसमें इस तरह से तेल को गर्म करके फिर रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसे अचार में ऐड करें। तेल गर्म हो गया है, अब ढक्कन लगाकर उसे ठंडा होने दें। 10 से 12 घंटे के बाद अब अचार का मसाला आम में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। जो तेल गर्म करके हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया था उसमें से 800 ml जितना तेल हम अचार में ऐड करेंगे। बाकी अगर आगे आवश्यकता होगी तो बाकी का तेल हम फिर से ऐड करेंगे। अब 2 दिन तक हमें इस अचार को ढक्कन लगाकर रहने देना है और दिन में 1 से 2 बार हल्के हाथों से चम्मच की मदद से मिक्स करना है। इस तरह से तेल ऐड करने से जो मसाला है
वो अच्छे से फूल जाएगा और आम भी पीले रंग के हो जाएंगे। 2 दिन के बाद अब आम अच्छे पीले हो गए हैं और जो मसाला हमने ऐड किया था वो भी अच्छे से फूल गया है। इस अचार में हमें ज़्यादा तेल ऐड करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। यह अचार को आप फ्रेश भी खा सकते हो और 1 साल तक उसे कांच की बोतल में रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो। ये रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, दाल चावल के साथ या किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। 1 साल तक स्टोर करने के लिए इस प्रकार की कांच की बोतल ले, उसे पानी से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखें। गुजरात में येरा कंपनी की कांच की बोतल मिलती है, उसमें अचार और मसाले स्टोर करोगे तो वो 1 साल तक बिल्कुल बिगड़ते नहीं है। अब बोतल में हम पहले आम डालेंगे, उसके बाद जो मसाला और तेल है वो डालेंगे। ये अचार बनाते वक्त आप तेल डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। आम के ऊपर 3 से 4 इंच रहे उतना तेल हमें रखना है। अब चम्मच की मदद से अचार को अच्छे से प्रेस करें। तेल ज़्यादा होगा तो भी आपका अचार अच्छे से स्टोर हो पाएगा। अब बोतल के ऊपर इस तरह की रबर की रिंग वाला ढक्कन लगाएं। येरा की बोतल आप लोगे तो इसके साथ इस प्रकार का ढक्कन आता है। ऐसा ढक्कन लगाने से उसमें बिल्कुल भी एयर सर्कुलेशन नहीं होगा और अचार आपका 1 साल तक अच्छा सा लाल और फ्रेश रहेगा। अगर आप इस तरह के ढक्कन का उपयोग करोगे तो जब आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करोगे तो उसमें एयर सर्कुलेशन होगा और थोड़े समय के बाद आपका अचार काला पड़ जाएगा। तो ये सभी टिप्स अगर आप फॉलो करके अचार बनाओगे तो आपका अचार भी बहुत ही अच्छा बनेगा। बोतल के ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है तो स्टफ्ड कच्चे आम का खट्टा अचार बनकर तैयार है। आप ये रेसिपी घर पर अवश्य ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। इस प्रकार की ट्रेडिशनल एवं सात्विक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।